नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जीवन भर चकाचून से घिरे रहने वाले सुब्रत रॉय सहारा अपनी मौत के वक्त बिल्कुल अकेले थे। यहां तक कि बदनसीब सहारा श्री के लिए परिवार का कोई भी करीबी सदस्य वहां मौजूद नहीं था। कभी अपने दोनों बेटों की शादी में राजनीति से लेकर फिल्मी जगत के सभी दिग्गजों को लखनऊ की धरती पर बुलाने वाले सुब्रत रॉय के बेटे ही अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। क्यों नहीं हो सके, इस रिपोर्ट में देखिए। सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय का दो दिन पहले निधन हो गया और उनका पार्थिव शरीर बुधवार शाम करीब 5 बजे सहारा शहर लाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। आम लोगों से लेकर वीआईपी तक दर्शन करने के लिए पहुंचे और देर रात तक सहारा शहर में तांता लगा रहा। सुब्रत राय के शव को भैंसा कुंड लाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इस अंतिम संस्कार में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी और जिसके सामने दुनिया झुकती थी, उसी के अंतिम यात्रा में बेटों का कंधा उन्हें नसीब नहीं हुआ और सुब्रत राय के 16 वर्षीय पोते बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार करने पहुंचे। सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना रॉय और बेटे सुशांतो रॉय और सीमांतो के विदेश में होने के कारण अंतिम संस्कार उनके पोते ने किया। आपको जानकारी हो या ना हो, लेकिन एक जमाना था जब उनकी तूती बोलती थी। 2023 के वक्त में सुब्रत रॉय गुमनामी में चुपचाप संसार छोड़कर चले गए। समय की मार देखिए कि उनके अपने बच्चे उनके अंतिम संस्कार में उनके पास नहीं थे, पर वो भी क्या वक्त था जब उनके पास पास सितारों का मेला लगा रहता था। यहाँ तक कि उनसे मिलने के लिए राजनेताओं की लंबी लाइन लगी रहती थी, पर जब वक्त बदला तो लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया। कॉरपोरेट की दुनिया में झंडा गाड़ने वाली सहारा कंपनी के बुरे दिन क्या शुरू हुए। सुब्रत राय के करीबी एक एक करके उनका साथ छोड़ते चले गए। स्थिति तो ये हो गई कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा और तमाम बदनामियां झेलनी पड़ी। जिसने भी सहारा के चढ़ते साम्राज्य को देखा है, उन्हें भी सुब्रत रॉय की इस कमजोरी पर विश्वास नहीं हुआ। जानकारों की माने तो अर्श से फर्श तक पहुंचने के पीछे सुब्रत राय की कुछ खुद की गलतियां थी, जिन्हें वो वक्त पर पहचान नहीं पाए और फिर फिसलते तो फिसलते ही चले गए। आपको जानकारी देते चले कि सुब्रत रॉय ने अपने चरम के दिनों में कई लोगों की दिल खोलकर मदद की थी, लेकिन आज कुछ को छोड़कर कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी थी कि कर्म पर ही किसी का अधिकार होता है, लेकिन कर्म के फलों पर कभी अधिकार नहीं होता। लेकिन सुब्रत रॉय के कर्म के फल उन पर भारी पड़े थे। सेबी के चक्कर में सारा समूह ऐसा फंसा कि उसमें सब खत्म हो गया। सुब्रत रॉय को जेल जाना पड़ा और बड़ी मशक्कत के बाद वो जेल से बाहर हुए। जेल से रिहा होने के बाद वो गुमनामी में चले गए। कभी किसी वक्त उनके आसपास मजमा लगा करता था, लेकिन उनके जेल से निकलने के बाद उनके सभी करीबी उनसे मिलने से कतराते रहे और जब अंतिम सफर का समय आया तो परिवार भी साथ नहीं रहा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।